नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं भैया एक बड़े ही कमाल का स्मार्टफोन, वीवो की तरफ से Y17, जो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हैं वो सामने आ चुके हैं, तो स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस फ़ोन का जो मेन हाईलाइट है वो है भैया इसका ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 5000 mAh की पावरफुल बैटरी। इस फ़ोन के जो है वो मेन हाईलाइट्स हैं। इस फ़ोन की यदि बात करें तो इस फ़ोन के अंदर जो है हमें ड्यू ड्रॉप नॉच इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है फ्रंट के अंदर, और जो है रियर में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके यदि प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर प्रोसेसर हमें मिल जाता है हीलियो का P35 प्रोसेसर इसके अंदर हमें देखने को मिल पाता है। इसके यदि कलर की बात करें तो ये दो कलर के अंदर अभी अवेलेबल है, ब्लू और पर्पल कलर के अंदर ये अवेलेबल है। और यदि बात करें फ़ोन के बारे में थोड़ा सा और, तो इस फ़ोन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है वॉल्यूम अप डाउन की हमें देखने को मिलेंगी, 3.5 mm ऑडियो जैक हमें देखने को मिलेगा और हमें इस फ़ोन के अंदर मिल पाएगा माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट इस फ़ोन के अंदर हमें मिल पाएगा। और अभी बात करें इस फ़ोन के बारे में तो इस फ़ोन के अंदर हमें मिलेगी 4 GB की रैम इस फ़ोन के अंदर हमें मिल पाएगी और 128 GB का जो है इस फ़ोन के अंदर स्टोरेज हमें मिल पाएगा। अभी बात करें इस फ़ोन की स्क्रीन के बारे में तो इस फ़ोन की स्क्रीन हमें मिल पाती है 6.35 inch की HD+ डिस्प्ले हमें यहाँ पे मिल पाती है। और यदि इस फ़ोन के कैमरा सेटअप की यदि हम बात करें तो इस फ़ोन के अंदर जो कैमरा हमें मिल पाता है वो मिल पाता है 13 MP प्लस 8 MP का जो है और प्लस 2 MP का जो है इसका रियर कैमरा सेटअप हमें मिल पाता है। और यदि बात करें इसके फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट कैमरा हमें मिल पाता है 20 MP का जो है इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिल पाता है। और यदि इस फ़ोन के बारे में बात करें तो इस फ़ोन का वेट होने वाला है 190 ग्राम इस फ़ोन का वेट होने वाला है। ये थी इस फ़ोन के कुछ हाइलाइट्स। और यदि बात करें तो ये रन करने वाला है फन टच OS वर्जन 9 पे और इसके अंदर एंड्रॉयड पाई हमें देखने को मिलेगा। बाकी आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन के बारे में, क्या आप इस फ़ोन को खरीदना चाहें क्या इस फ़ोन की प्राइस होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मेरे को लगता है इस फ़ोन की यदि प्राइस यदि कुछ हमें मिल पाती है 10 से 12 हज़ार रुपये के आसपास तो हो सकता है ये फ़ोन एक अच्छा ऑप्शन हो, बाकी मेरे को कुछ लगता नहीं है। आपका क्या विचार है जो स्मार्टफोन के मामले में जो कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसके बारे में, कौन सी आपकी फेवरेट ब्रांड है, किस ब्रांड पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं आँख बंद करके, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।